फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां MRP की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि युवाओं, भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और रेलवे को पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया है इस बजट में। मैम, 5 से 7 लाख रुपए करने की बात कह रहे हैं और इसको सरकार जोड़ रही है कि आम जनता से कनेक्ट कर देश निर्माण में ये काम आएगा। पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और हम आज हम देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। थैंक यू।